साथ दूसरे कैंडिडेट हैं दूसरी जगह, अभिषेक सिंह जी। अभिषेक सिंह जी मौजूद हैं आप अपनी बात रखने के लिए? बिल्कुल, नमस्कार सिद्धार्थ जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है, आप बताइए कहाँ से हैं और किस आरआरबी से जुड़े हुए हैं, क्या मामला है आपका? सिद्धार्थ जी, मैं आरआरबी इलाहाबाद के एएलपी स्टैंडबाई कैंडिडेट हूँ और साथ ही मैं सभी जोन के जो आरआरबी स्टैंडबाई कैंडिडेट हैं, एएलपी एंड टेक्नीशियन, सभी को मैं एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सर, जो हमारा मैटर है कि हमें पहले तो 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसको प्रोसेस कम्प्लीट होते हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं टारगेट क्रैक एग्जाम। दोस्तों, रेलवे भर्ती 2018 आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के स्टैंड बाई कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों वेटिंग स्पेशल वीडियो है। जी हां दोस्तों, हमारा जो मुद्दा है वो न्यूज चैनल पे उठाया गया, जो कि दोस्तों न्यूज चैनल ने उठाया न्यूज स्टेशन, जिसका आपने दोस्तों प्री वीडियो आपने स्टार्टिंग में ही देख लिया है। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाइए या आई बटन में दिए गए लिंक पे जो ऊपर दिख रहा है उस पे जाके आप पूरी वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो देखिएगा नहीं बस उसको लाइक करिएगा, उस पे कमेंट करिएगा अपने मुद्दे और जो हमारी स्पीच है वो कैसे लगी वो भी जरूर बताइएगा। और साथ में दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ट्वीट करिएगा, हर जगह इसको फैला दीजिए। इस पर दोस्तों आज शाम तक मैं कोशिश करिए कि 50,000 व्यू कम से कम हो जाए, सभी वेटिंग स्टूडेंट तक पहुँच जाए, ताकि कोई भी चैनल हमारा मुद्दा उठाने के लिए अगली बार भी न सोचे, बिल्कुल खुशी खुशी हमारा मुद्दा उठाए। दोस्तों पूरा सपोर्ट करिएगा, इनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा लाइक होगा ये उतना ज़्यादा मोटिवेट होंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी जो एफर्ट था वो बहुत अच्छा लगा होगा। और दोस्तों मेरी जो वीडियो उसको देखने के बाद जरूर बताइएगा कि जो मैंने आपको बोला है उसमें कोई पॉइंट छूटा या दोस्तों मैंने सारे पॉइंट कोशिश किया था कवर करने को तो क्या पूरा कवर हो चुका है या कुछ बाकी रह गया, दोस्तों उसको जरूर कमेंट करके मुझे इस वीडियो के नीचे जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले अपडेट के साथ, तब तक अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, बाय।